देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परंपरा है कि हम समय समय पर जो है वो संगठन की बैठक करते रहते हैं। तो उसी के तहत जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और पालक हैं उन सब की बैठक आज यहाँ पर की गई है। और इसके साथ साथ 21 तारीख को जो योग दिवस है उसके उपलक्ष्य में भी इसके बारे में चर्चा होगी। और 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जींद में कबीर जयंती समारोह जो है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। हमारी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश रहेगी कि सभी के सभी कार्यकर्ताओं को हम यहाँ से उनको आग्रह करें और आह्वान करें कि वो वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि संत जो हैं वो सभी के साझे होते हैं और उनकी जो भी प्रेरणाएँ हैं वो जनमानस तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की कोशिश है और यही प्रधानमंत्री जी की कोशिश है। और उसके तहत भी जो 21 तारीख को योग दिवस है तो वो पूरे धूमधाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जा रहा है। और उसमें 21 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी वो रोहतक में आ रहे हैं और हर जिले पर उसको बड़े हाई लेवल पर बड़े धूमधाम से मनाने की हमारी कोशिश है। तो उस सब के बारे में आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बंधुओं से चर्चा होगी। ऐसा है कि विधानसभा है तो पैरेलल साइमल्टेनियसली उसके बारे में भी बातचीत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब चुनाव है तो चुनाव की तैयारियाँ करना भी वाजिब बनता है। तो संगठन के तौर पे उसके बारे में भी बातचीत होगी कार्यकर्ता बंधुओं से, उनको कहा जाएगा कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त तैयार ही रहता है, लेकिन उनको और कहा जाएगा कि और उत्साह के साथ जोश के साथ जो है वो तैयारियों में जुटे हुए। अब आपने देखा होगा कि पूरे 9 के 9 विधानसभा में जितना जबरदस्त मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो है कैंडिडेट को कह लो सांसद को मिला है, तो मुझे लगता है कि अब की बार 9 के 9 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खातों में विधानसभा में भी आने वाली। लेकिन विपक्षी ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी। विपक्ष है कहाँ, आप मुझे विपक्ष दिखाइए पहले, कहाँ है विपक्ष? सीएम साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी, सीएम साहब का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, 17 तारीख को अभी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को जो माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं उस कार्यक्रम के अंदर पूरा जोर शोर के साथ हम तैयारी करें, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 17 तारीख को सीएम साहब अभी नहीं आ पाएंगे। अभी उस तक फाइनल हो गया, वो मेरे पास कल फोन आ गया था शाम को, तो वो फाइनल है, अभी 17 तारीख को नहीं आ। मैंने आपको बताया कि हमारा मेन फोकस जो मेरा सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है वो प्राथमिकता नशे की है। मुझे हर हालत में यहाँ से हमारे युवाओं को नशे से जो है वो उनको दूर रखना है और इस एरिया को नशा से फ्री करना है। और उसके लिए आपने देखा होगा कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी समय समय पर इसके बारे में बातचीत हुई है और प्रशासन भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त इस मामले में हो गया है। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पर भी जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक हमारी पहल है, ये कोशिश है सरकार की तरफ से कि पीयर लेड इंटरवेंशन उसके तहत, आपने सुना होगा पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर में आपको बच्चे जो हैं वो अपनी हम उम्र बच्चों को ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं जो उनको अच्छा लगता है, उनको भाता है। हम इसको एक अलग रूप में देखना चाह रहे हैं, हम इसको बोल देंगे पीयर लेड इंटरवेंशन, कि उन बच्चों का इंटरवेंशन हो, जो बच्चे सही रास्ते पे हैं, संस्कारों वाले बच्चे हैं, वो दूसरे बच्चों को प्रेशर करके इससे दूर निकालें। एक रास्ता नेगेटिविटी का है, दूसरा रास्ता पॉजिटिविटी का है। तो ये सरकार की तरफ से एक बड़ी जबरदस्त कोशिश है और उसके तहत 7 जिले जो हैं वो हरियाणा में सिलेक्ट किए गए हैं, तो जिसके अंदर सिरसा जिला भी आता है। इसको बड़े हाई लेवल पर, वार लेवल पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो नशे से बाहर आए और ये हमारा इलाका जो है वो तरक्की करे। ऐसा है कि पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि पुलिस हमें पहले ये बताए कि किस तरह के जो है उनके एक्शंस हैं और उन एक्शंस के ऊपर काम करते हुए क्या रिजल्ट्स आए हैं और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। एक बार हम ओथ ले लें 17 तारीख को, उसके बाद पूरे प्रशासन के साथ एक जबरदस्त बड़ी जो है वार लेवल पे एक मीटिंग की जाएगी जिसके अंदर SP DC सभी बैठे होंगे और उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस किया जाएगा कि क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उन्होंने अब तक किया है और जो उन्होंने अब तक किया है उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या कुछ एक्शंस चेंज करने की जरूरत है और उसके तहत बड़े अच्छे से उसको फॉलोअप किया जाएगा। जो भी काम होंगे, जो भी एक्शन होगा उसका फॉलोअप किया जाएगा कि उसका एक मंथ के अंदर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व मिला तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसकी नौकरी तक पर भी बात आ सकती है। ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से खुले तौर पे कहना चाहता हूँ। हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके एक टोल फ्री नंबर
हम ऐसा कोई लाएं कि जिसके अंदर कहीं कोई इसी तरह की कोई शिकायत है, तो ताकि वो लोग बिल्कुल बेहिचक होकर वहां पर अपनी जो है शिकायत दर्ज करवा सकें। मैडम जी पहले बाइट छाए में कर लेते आ जाओ। और हमारे जिला के विषय में बड़ा बखूबी सारे चुनाव को